मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों का दौर लगातार जारी है। इन क्रॉसिंग पर आए दिन बड़े हादसों के होने का डर बना रहता है। जहां यूपी के कुशीनगर में रेल हादसे में 13 बच्चों की मौत से पूरे देश में सनसनी फैल गई है, वहीं बिहार के जिला सहरसा में आम लोग और बच्चों में इस घटना से खौफ बन गया है। शहर में कई मानव रहित फाटक हैं जो किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं। ये नजारा है सदर थाना के सिमराहा का, जहां भीड़भाड़ वाले इलाके में बने इस मानव रहित रेलवे फाटक से लोगों को गुजरना नियति बन चुका है। रेल प्रशासन की लापरवाही ही है कि यहां फाटकों पर रेलवे कर्मियों की तैनाती ना के बराबर है। वहीं दूसरा नजारा है सदर थाना के सुलिंदाबाद मानव रहित रेलवे फाटक का, जहां देखिए किस तरह बिना देखे बाइक सवार फाटक क्रॉस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसे रोकने वाला कोई रेलवे कर्मी समय पर यहां मौजूद नहीं रहता है। वहीं इस मानव रहित फाटकों के करीब कई निजी स्कूल भी हैं, जहां के लिए बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इन फाटकों को क्रॉस करते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। नहीं है सर, कैसे आप लोग हिम्मत करते हैं टपने का? विरोध फाटक दुर्घटनाएं भी हो सकती है, बार बार दुर्घटना होता है, हम लोग देखते आ रहे हैं शुरू से। यहाँ हादसा हुआ है कभी क्या? बहुत बार हुआ। कौन सा ये रेलवे बनती है? ये सुलिंदाबाद का रेलवे डाला। बगल में एक स्कूल भी है, दो दो स्कूल है, रेलवे डाला। और स्कूल की गाड़ी जो है बच्चे को लेकर के इधर से क्रॉस करती है। अगर खुदा ना खास्ता, बहुत जगह ऐसी घटना हम लोग देखते हैं हो रहा है। इधर भी आज सुबह उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, कुशीनगर। तो इस तरह का ये कभी कुशीनगर सुलिंदाबाद भी हो जाएगा अगर रेल प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया। स्कूल की बस टकरा जाएगी, सैकड़ों बच्चे गाल के गाल में समा जाएंगे और समय मौत में के मुंह में समा जाएंगे। बहरहाल कुशीनगर की घटना ने जहां 13 बच्चों की असमय मौत से पूरे देश में सनसनी फैलाते हुए रेल प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं बच्चों के परिजनों समेत आम आवाम मानव रहित फाटकों को लेकर दहशत में है। बता दें कि मानव रहित रेलवे फाटकों पर लोगों की रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसको रोकने के लिए सरकार को कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा और इन हादसों पर लगाम लगानी पड़ेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजित सिंह की रिपोर्ट।